क्या नीट 2024 एग्जाम में डिलीटेड टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं? ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बैठा हुआ है और ये इसलिए है क्योंकि उनको एनटीए की बातों पर ट्रस्ट नहीं होता है। तो आज के वीडियो में हम इसी के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि एनटीए ने एक रिवाइज सिलेबस जारी किया था जिसमें कुछ टॉपिक्स को डिलीट किए थे और उन्होंने कुछ टॉपिक को ऐड भी कर दिया था। वैसे ही ये सिलेबस काफी कंफ्यूजिंग था, बट अब बच्चों के दिमाग में ये बातें भी आ रही हैं कि अगर एनटीए ने डिलीटेड टॉपिक से भी क्वेश्चन डाल दिए तो वो क्या करेंगे। तो बेटा, इसका एक क्लियर कट सॉल्यूशन है। वैसे तो फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, बट मैं जो अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड कर रहा हूं वही रिकमेंडेशन मैं आपको भी दूंगा। बेटा, मैं आपको कह रहा हूं कि आप ज्यादा कुछ मत कीजिए। पहले तो आप नई एनसीईआरटी के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट कीजिए, फिर जो एडेड टॉपिक है उसको पढ़िए, और फिर आपके पास अगर टाइम बच जाता है तो डिलीटेड टॉपिक के सिर्फ 10 साल के पीवाईक्यू लगा के आप एग्जाम में चले जाइए और आई थिंक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।